हेलो एवरीवन, सुनील का फाइनल रिजल्ट आने के बाद जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अलग अलग स्टेट में जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट है जो उनकी काउंसलिंग बॉडीज हैं वो लोग अपने अपने फॉर्म्स निकाल रही हैं। सो इसी के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, दैट इज इशूड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो जो कैंडिडेट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में MBBS, BDS, BMS, BUMS और BHMS इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए जो डिफेंस कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करने के लिए जो लिंक है वो ऑपरेशनल कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है डिटेल्स। सो देख सकते हैं, सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फॉर एंटाइटलमेंट और कंसेशन ऑफ द सीकिंग एडमिशन अंडर द CW कोटा 85% दिल्ली कोटा टू वेरियस यूजी कोर्सेज लाइक MBBS, BDS, BMS, BUMS एंड BHMS फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। सो सच कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑन द पोर्टल ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी एट दिस साइट। सो यहाँ से जो PDF है इस पर जो लिंक दिया गया इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, या तो आप जो fmsc.du.ac इस साइट पर जाके वहां पर लिंक है वहां पर आप इसको भर सकते हैं बाय विजिटिंग द फैकल्टी वेबसाइट दैट इज fmsc.du.ac.in और वहां पर आपको होम पेज पे जो एप्लीकेशन का लिंक है वो मिल जाएगा। और जो फॉर्म भरना है आपको भरना है द पोर्टल शैल रिमेन ओपन फ्रॉम 31st July 2024 से जो पोर्टल है वो ओपन है 10 बजे से, और जो लास्ट डेट है वो है 4th August 2024 शाम को 5 बजे तक। तो इसके बीच में डॉक्यूमेंट्स वो कर देने हैं अपलोड, और इसी पुनी को करने हैं जो लोग डिफेंस कैटेगरी से लेना चाहते हैं एडमिशन इन कोर्सेज में। डिफेंस कैटेगरी में जो 5% का रिजर्वेशन वो मिलता है इन द वेरियस कोर्सेज, और जो एजुकेशन कंसेशन सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए इन सब ऑफिस के थ्रू। ये देख सकते हैं आप कहां कहां से जो इशू है सर्टिफिकेट वो वैलिड होगा, और ये प्रायोरिटीज दे रखी है तो सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा कौन सी प्रायोरिटी है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा। सो अगर आप डिफेंस कैटेगरी से लेना चाहते हैं एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट अपडेट है वो आपको करना पड़ेगा, और जो पोर्टल है वो अभी ओपन है फॉर द डॉक्यूमेंट अपडेशन। सो जो इस PDF में लिंक है इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे साइट पे, तो कुछ इस तरह की जो साइट है वो खुल जाएगी आफ्टर क्लिकिंग द लिंक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोर्टल फॉर एडमिशन अंडर द CW कैटेगरी डॉक्यूमेंट फॉर सीकिंग एडमिशन टू द UG कोर्सेज MBBS, BDS, BMS, BUMS, BHMS फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 एंड कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी फिल्ड दिस फॉर्म डू नॉट नीड टू फिल इट अगेन। सो यहाँ पर कोर्सेज दिख रहे हैं आपको, सो कोर्सेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं MBBS, BDS, BMS, BUMS, BHMS जो भी एप्लीकेबल हो वो यहाँ पर आप टिक कर देंगे, तो यहाँ पर एक से ज्यादा कोर्सेज भी जो है वो टिक कर सकते हैं। इसके अलावा कैटेगरी ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल, डिफेंस पर्सनल है, पैरामिलिट्री पर्सनल है या पुलिस पर्सनल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक कर देंगे। यहाँ डालना आपको अपना नेम, फादर्स नेम, नीट का रोल नंबर, ऑल इंडिया रैंक, दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर टिक कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ 85% दिल्ली कोटा के लिए ही होने वाला है। इसके अलावा पास्ट 11th एंड 12th फ्रॉम, तो यहाँ डालना आपको अपने स्कूल का नेम जो दिल्ली में लोकेटेड है। इसके अलावा यहाँ पर डालना है आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस, यहाँ डालना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, CW कैटेगरी या प्रायोरिटी वो यहाँ पर डालनी है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर वो यहाँ डालना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अटैच करना है कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में मैक्सिमम साइज 1 MB के बीच में यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके अलावा पेंशन पेमेंट ऑर्डर यहाँ पर, गजेट नोटिफिकेशन फॉर गैलेंट्री अवार्ड्स यहाँ पर, सर्विस डिस्चार्ज बुक यहाँ पर, और मेडिकल रिकॉर्ड प्रोसीडिंग्स वो यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पढ़ सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, तो 11th क्लास, 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो भी है, नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, ये सारी चीज यहाँ पर अपलोड करनी है आपको। और नीचे दिख रहा है सबमिट का ऑप्शन, तो सबमिट वाले ऑप्शन पे कर देंगे क्लिक, तो यहाँ से फाइनल सबमिशन है वो हो जाएगा। सो अगर आप डिफेंस कैटेगरी के अंदर दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर्म फिल करना ये मस्ट है आपको। सो यहाँ पर जो दो लिंक है, ये वाला और ये वाला, दोनों में से किसी भी क्लिक करके आप यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग है वो कर सकते हैं।